बिहार का संदेश विधानसभा सीट पाटलिपुत्र लोकसभा के तहत आता है। 243 विधानसभा सीट में संदेश सीट राजनीतिक रूप से काफी चर्चा में रहा है। 1957 में संदेश विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कैंडिडेट झमन प्रसाद ने जीत हासिल की थी। 1962 में भी सीट पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट झमन प्रसाद ने अपना कब्जा बरकरार रखा था। वहीं 1967 के चुनाव में संदेश सीट पर सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट आरएस सिंह ने जीत का परचम लहराया था। तो 1969 और 1972 में संदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के टिकट पर रामजी प्रसाद सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं 1977 के चुनाव में संदेश सीट से जनता पार्टी के कैंडिडेट रामदयाल सिंह ने जनता का भरोसा हासिल किया था। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट सिद्धनाथ रॉय ने जनता पार्टी से ये सीट छीन ली थी। 1985 के विधानसभा चुनाव में लोकदल सोनाधारी सिंह ने विरोधियों को मात दे दिया था। वहीं जनता दल की टिकट पर एक बार फिर सोनाधारी सिंह ने 1990 के विधानसभा चुनाव में भी संदेश सीट पर कब्जा बरकरार रखा। तो सीपीआई एमएलएल के कैंडिडेट रामेश्वर प्रसाद ने 1995 के चुनाव में संदेश विधानसभा पर जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। वहीं 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में संदेश सीट पर आरजेडी कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार यादव ने लगातार जीत हासिल की थी। तो 2010 के विधानसभा चुनाव में सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट संजय सिंह टाइगर ने विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट अरुण कुमार यादव ने जीत का परचम लहराया था। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में संदेश सीट से आरजेडी के टिकट पर अरुण कुमार यादव ने जीत हासिल की थी। अरुण कुमार यादव ने चुनाव में 74,306 वोट हासिल किए थे। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट संजय टाइगर को 48,879 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से आरजेडी के कैंडिडेट अरुण कुमार यादव ने बीजेपी के कैंडिडेट संजय टाइगर को 25,427 वोट के बड़े भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई एमएलएल के कैंडिडेट राजू यादव 15,879 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2010 के विधानसभा चुनाव में संदेश सीट पर बीजेपी कैंडिडेट संजय टाइगर ने जीत हासिल की थी। संजय टाइगर ने 29,988 वोट हासिल किए थे। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट अरुण कुमार ने 23,166 वोट हासिल किए थे। इस तरह से बीजेपी कैंडिडेट संजय टाइगर ने निर्दलीय कैंडिडेट अरुण कुमार को 6,822 वोट से हरा दिया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट बिजेंद्र कुमार यादव 16,779 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2005 के विधानसभा चुनाव में संदेश सीट से आरजेडी कैंडिडेट विजेंद्र कुमार यादव ने जीत हासिल की थी। विजेंद्र कुमार यादव ने 40,387 वोट हासिल किए थे। वहीं बीजेपी कैंडिडेट संजय सिंह को 28,894 वोट मिले थे। इस तरह से विजेंद्र कुमार यादव ने संजय सिंह को 11,493 वोट से हरा दिया था। वहीं सीपीआई एमएलएल के कैंडिडेट रामेश्वर प्रसाद 26,323 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला होगा। साथ ही कई दलों के गठबंधन भी अपनी ताकत दिखाएंगे। ऐसे में जीत उसी पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगी जिस पर जनता ज्यादा से ज्यादा भरोसा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।